भाई साहब, हम लोग मैस में बैठे हुए हैं। ये इनकी मैस है भाई साहब। इनका कैंपस लिटरली बहुत ज्यादा बड़ा है। ये इनका क्रिकेट ग्राउंड है जो ये दिख रही है ना, ये यूटिलिटी सेंटर, इनकी कैंटीन। ये सिर्फ ग्लास सीसीडी का है कि एक्चुअल कॉफी भी सीसीडी का है। बीच में लेक है एंड उसके अराउंड आई गेस दो कॉलेज या तीन कॉलेज है। एंड द बेस्ट पार्ट भाई, सारे रूम्स में बालकनी है। सो ये कैंपस क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा है ना, तो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पा रहा है गाइस। लाइट इस साइड आ रही है, लेकिन इस साइड का कर लेते हैं। लाइट्स कैमरा एक्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं चंदेलयू का कैंपस टूर देने वाला हूँ। एक्चुअली आई एम अ फिफ्थ ईयर स्टूडेंट एट DNLU जबलपुर, बट यहाँ कॉलेजेस फेस्ट में आए हुए थे हम लोग। सो आई थॉट व्हाई नॉट इनका एक कैंपस टूर वीडियो बना दें। सो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जस्ट एंट्रेंस गेट पर ही खड़ा हुआ हूँ। ये जो आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, ये HNLU का गेट है। काफ़ी बेसिक सा भाई साहब। 4 साल पहले जब मैं फर्स्ट टाइम HNLU आया था, तब मुझे लगा था कि ये ऐसा सेकेंडरी गेट हो सकता, मेन गेट शायद अलग होगा। कुछ ज़्यादा फैंसी टाइप का कुछ लिखा लिखा भी नहीं इवन। एंड ये जो है पीछे आप देख रहे हैं, ये हाईवे का जस्ट इसके सामने ही है। यहाँ पास में टपरी वपरी वगैरह भी एक ही है, तो वहाँ पे भी हम लोग चिल्ल वगैरह करने जाते थे। अभी अंदर चलते हैं, देन उसके बाद अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये इनका गेट है। जैसे कि मैंने बोला भाई, कोई फैंसी फैंसी टाइप का कुछ लिखा नहीं हुआ, बस वहाँ एक छोटा सा है। एंड ये जो जस्ट सामने देख रहे हो ना, यही इनकी बिल्डिंग है मेन। तो पार्लियामेंट शेप की, राउंड शेप की, चल के दिखाते हैं आपको। एक्चुअली भाई, इनका कैंपस तो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड जब DNLU बन जाएगा ना, अभी शायद आई थिंक बिगेस्ट कैंपस है ये सारे NLUs में। जब DNLU बन जाएगा 125 एकड़ का, तो सबसे बड़ा वो हो जाएगा। तो इनको बड़ा दुख है उस चीज़ का कि तुम लोगों का कैंपस बनेगा तो हमारा छोटा हो जाएगा, फिर सबसे बड़ा तुम लोगों का होने लगा। एंड डेकोरेशन वगैरह जो है फेस्ट के चक्कर में ही हुआ है अभी यहाँ पे। एक्चुअली आज लास्ट डे, हम लोग इवनिंग में निकलने वाले हैं। फेस्ट अभी ख़त्म हो गया, सो डेकोरेशन वगैरह भी निकलने लगा है सारा कुछ। बाकी इनकी एक ही बिल्डिंग है, एकेडमिक ब्लॉक, एडमिन ब्लॉक, सब कुछ इसी में ही है। ये जो पार्लियामेंट शेप की ना, चल के मैं आपको दिखाता हूँ। बस हॉस्टल्स वगैरह अलग हैं, कैंटीन वैंटीन वगैरह वो सारी चीज़ें अलग हैं। बाकी एडमिन ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, लाइब्रेरी, सब कुछ इसी के ही अंदर है। सो जैसे ही आप गेट से अंदर आते हैं ना, तो सीधे स्ट्रेट चल के सबसे पहले आपको ये बुद्धा जी की स्टैचू दिखेगी। और उसके बाद मेन गेट इनका यही है, यहाँ से आप लेफ्ट जा सकते हैं या फिर राइट जा सकते हैं। अगर लेफ्ट में जाएंगे तो गर्ल्स हॉस्टल एंड स्टाफ वगैरह के वो क्वार्टर है। एंड अगर राइट में जाते हैं तो यहाँ पे ये जो स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह है एंड बॉयज़ हॉस्टल है इस साइड। तो अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये भाई साहब इनका मेन एंट्रेंस गेट है। रजिस्ट्रेशन वगैरह यहीं पर हो रहे थे कॉलेजेस वगैरह के। एक्चुअली भाई साहब, मैंने भी जो है ना, इनका कैंपस पूरे तरीके से घूमा नहीं है अभी, क्योंकि बहुत बड़ा है यार इनका जो पार्लियामेंट शेप का स्ट्रक्चर ना, ये भी बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली पता नहीं है, भूल जाते हैं कहाँ से घुसते हैं कहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे सारे लेफ्ट राइट में जो भी रूम चाहिए, काउंट सेक्शन, मतलब क्लासरूम वासरूम वगैरह भी सेम ही है। साउंड सेक्शन देखो, अगेन एक गेट और आ गया। तो यहाँ पे ऐसा सारे राउंड शेप में जो गेट है, ये चल के दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं राउंड शेप की बिल्डिंग है ना ये, तो बीच में जो स्पेस नाटक होते हैं यहाँ पे मेजरली, हाँ, और जो भी परफॉर्मेंसेज होती हैं सारी शाम इवनिंग में या फिर दिन में, मस्त ये बीच में सेंटर में काफ़ी अच्छा है भी। एंड ये इनका ऑडिटोरियम है, अभी तो शायद बंद है तो दिखा नहीं सकता, बट जो पहले की कुछ क्लिप्स होंगी ना वो मैं लगा दूंगा इसमें, तो आप देख लेना। जो वैलिडिट्री एंड ओपनिंग सेरेमनी थी ना कॉलेजेस की, वो इसी में हुई थी। सो इसके भी आई थिंक 4-5 गेट हैं। ये इसका स्टेज वाला एरिया है, इसके पीछे जस्ट वॉल के पीछे स्टेज है। एंड अगेन देखो, एक डोर और आ गया। तो यहाँ पे डोर है ना बहुत सारे बाहर निकलने के लिए। एंड ये ऑडिटोरियम का है। एंड ये इनका बाहर का कॉरिडोर है ऐसा पूरे राउंड शेप में, तो बाहर से अगर आप जाना चाहते हैं तो बाहर से जा सकते हैं, नहीं तो अभी तक हम लोग अंदर से आ गए। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे आ गए। एंड यहाँ से आई गेस व्यू बहुत अच्छा दिखता है, इधर से है क्या व्यू अच्छा दिखता है, तो वो आपको एक पूरा होलिस्टिक व्यू मिल जाएगा कैंपस का। यस, यहाँ से
थोड़ा सा भी गंदा अंदा हो रखा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि यूजुअली ना ही होता होगा ऐसा। यस, ये अगेन ये जो है ना राउंड शेप में पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, तो पूरा 360 व्यू मिलेगा आपको यहाँ से। ये न्यू एकेडमिक ब्लॉक है एंड हाँ, ये लेक जो है ना, इसके आसपास तीन कॉलेज हैं आई गेस। एक HNLU है एंड ये IIIT है ना साइड, क्या लेक दिख रही होगी आपको, रुको जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये लेक है तो यहाँ भी चलेंगे हम लोग अभी, कैंटीन एंड यूटिलिटी सेंटर के पास से काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, तो यूजुअली लोग वहाँ पे चिल करते हैं इवनिंग में। एंड ये इनका क्रिकेट ग्राउंड है जो ये दिख रही है ना, ये यूटिलिटी सेंटर, इनकी कैंटीन, उसके बगल में ही ग्राउंड है। एंड ये जो सारी बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, ये बॉयज़ हॉस्टल है, तो वहाँ भी चलेंगे अभी हम लोग। एंड यहाँ पे जो है वॉलीबॉल कोर्ट एंड बास्केटबॉल कोर्ट है। एंड ये अभी मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, नीचे से भी चल के दिखा दूंगा। यहाँ से बॉयज़ हॉस्टल का रास्ता जाता है आगे जाके, और उसी के बगल में बास्केटबॉल कोर्ट एंड वॉलीबॉल कोर्ट वगैरह है। सो ये जितनी भी बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, ये सारी बॉयज़ हॉस्टल की हैं। चार हॉस्टल्स हैं आई गेस, चार ब्लॉक हैं, तो नीचे चल के भी एक बार आपको दिखा दूँ। एंड ये इनका मेन एंट्रेंस है, जहाँ से अभी हम लोग गए ना, ये मेन गेट था उनका। सो ये आपको ऊपर से व्यू मिल रहा है एक्चुअली। ये बोर्ड लगा हुआ आपने यूजुअली देखा होगा काफ़ी फोटोज स्टोरीज वगैरह में चैनल हुआ। एंड ये जो आप देख रहे हैं, ये गर्ल्स हॉस्टल है गाइस, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, बट मोस्ट प्रोबेबली गर्ल्स हॉस्टल ही है। भाई साहब इनका कैंपस लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड वन मोर थिंग भाई, कैमरे बिल्कुल नहीं लगे, बहुत कम लगे हुए हैं कैमरे, मतलब इतना बड़ा होने के बाद भी DNLU में तो भाई चप्पे पे कैमरे लगा के रखे हैं, इवन हॉस्टल्स के अंदर तक। रूम बख्श दिया नहीं तो पता चला रूम एंड वॉशरूम वगैरह में भी लगा दें वो। एंड ये प्लेस है इनकी LSS, पता नहीं फुल फॉर्म क्या है इसका, बाकी यहाँ पे फन एंड एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही थी अभी जब कोलोसस हुआ था। एंड शायद कुछ इनकी जो बेसिक एक्टिविटीज़ वगैरह होती है ना कभी, तो वो भी यहीं पे होती हैं। नुक्कड़ उक्कड़ नाटक वगैरह तो अंदर होता है, बट कुछ तो होता है, मैंने यहाँ लोगों की स्टोरीज़ वगैरह में देखी है इसकी काफ़ी। अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू अकेडमिक ब्लॉक। एंड क्लासरूम्स वगैरह तो भाई साहब मोस्ट प्रोबेबली सारे लॉक हैं, तो वो दिखा नहीं सकता मैं आपको अंदर से। इनकेस अगर कोई खुला होगा तो आई विल ट्राई कि आपको अंदर से दिखा दूँ क्लासरूम्स कैसे। बट आई हैव हर्ड कि भाई साहब DNLU क्लासरूम्स ज़्यादा बेटर हैं यहाँ के, ऐसे ये नॉर्मल टाइप की। न्यू अकेडमिक ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा छोटा है, क्लासरूम्स तो भाई साहब सारे लॉक हैं, कांट सी यू। भाई साहब अभी हम लोग जा रहे हैं यूटिलिटी सेंटर। एंड ये जो है क्रिकेट फील्ड है इनकी बाजू में, सो ये पार्टी आर्टी वगैरह यहीं थी। एंड ये हमारे कॉलेज की लड़कियाँ, यस भाई, बस 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 चिल, नो फोटोज नो फोटोज प्लीज प्लीज नो फोटोज नो फोटोज गाइस। अभी चल के दिखा था भाई, कितने नल्ले लोग हैं, दो तीन घंटे से बैठे हुए थे ये कैंटीन में। ये भाई इनका यूटिलिटी सेंटर, पार्टी आर्टी वगैरह भी सब इनकी यही हुई थी, मस्त मजे आए थे इनमें। भाई ये इनका यूटिलिटी सेंटर, मैं अंदर से ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, पता नहीं लोग माइंड करने लगे उनकी प्राइवेसी को लेके, सो आई विल ट्राई कि ना ही दिखाऊं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये भाई सब इनकी कैंटीन है, काफ़ी सारी शॉप्स है। कुछ बोलना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस आप लोग? ये सिर्फ ग्लास CCD का है कि एक्चुअल में कॉफी भी सही है? भाई साहब एक्चुअली मुझे पता नहीं था सच में, एक्चुअल में CCD यहाँ पे, तो मैंने देख रहा ना एक्चुअल CCD का ही है, लास्ट टाइम आया था तब मैंने देखा नहीं था एक्चुअली। यार कैंटीन में भाई सारे लोग बैठ के चिल कर रहे थे, अपना जो भी खा रहे थे वो लोग बैठ के, तो मैंने सोचा किसी प्राइवेसी हार्म ना, इसलिए मैंने वहाँ ज़्यादा कैमरा ओपन नहीं किया। तो थोड़ी बहुत ग्लिम्स मिल गई वहाँ की, यहाँ चार पाँच शॉप हैं अराउंड, तो जूस वूस सेंटर वगैरह सब कुछ है वहाँ पे। भाई इनका कैंपस क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा है ना, तो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पा रहा है गाइस, क्योंकि इतनी सारी घास वास लगी हुई है देखो। एंड यही है जो लेक हम लोग कह रहे थे ना कि यूटिलिटी सेंटर के अपोजिट में व्यू काफ़ी अच्छा आता है, तो यहाँ से फुटबॉल फील्ड है क्या, टेनिस कोर्ट है, ये लॉन टेनिस है जिसके बारे में सब इतनी तारीफ करते हैं लोग।
एंड ये यहाँ पे कॉलेज दूसरा है तरफ लाइट ही, तो ये बीच में लेक है एंड उसके अराउंड आई गेस दो कॉलेज या तीन कॉलेज है। मस्त यहाँ पे लोग इवनिंग में वॉक वॉक करते हैं। कैंपस तो भाई सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट स्टिल वही एक चीज़ है, मेंटेन प्रॉपर नहीं हो पा रहा। NLU जोधपुर भी रिसेंटली हम लोग गए हुए थे, उनका छोटा कैंपस है बट बड़ा क्यूट सा भाई, बहुत वेल मेंटेन्ड है एटलीस्ट हमारी नज़रों में। तो वहाँ के लोग उसको गाली दे रहे थे कि भाई मेंटेन नहीं करते, बट स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह उनके बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड थे भाई। भाई सभी जा रहे हैं हम लोग हॉस्टल्स एंड सो ये सारे हॉस्टल्स हैं एंड सारे हॉस्टल्स की अपनी रेस्पेक्टिव मैस उनके अंदर है, तो मैं भी आपको अंदर चल के भी दिखाऊंगा। ये डी ब्लॉक है, एक्चुअली हम लोग यहीं स्टे कर रहे हैं, हमें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अकोमोडेशन हमारा कैंपस के अंदर ही है। दैट इज़ अ गुड पार्ट ऑफ कोलोसस कि भाई आप एक्सप्लोर करते हो रात में कैंपस, चिल करते हो, मतलब इतना ज़्यादा इन टाइम तो यहाँ पे था। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, इन टाइम वगैरह का भी कोई इशू नहीं था कि आपको जितने बजे तक बाहर कैंपस में रहना है, हॉस्टल से बाहर रहना रह सकते हो, बट इस बार थोड़ा सा इशू था। सो अभी चल के मैं आपको दिखाता हूँ कैंपस हॉस्टल के अंदर कि रूम्स वगैरह कैसे हैं। ऑल दो उतने ज़्यादा वेल मेंटेन्ड तो अभी नहीं है, ऑल दो उतना फर्नीचर वगैरह तो कुछ नहीं है, बेसिक से ही हैं क्योंकि हम यहाँ रहने वाले लोग नहीं हैं ना, हम तो सिर्फ गेस्ट हैं इनके। भाई ये इनके मेस है, TV होती है मस्त प्रॉपर, वहाँ पर सर्व होता है। एंड अभी तो हम लोगों ने खाना खा लिया, जो मैं आपको क्लिप अभी दिखाऊंगा ना, वो एक्चुअली हम पहले जब खाना खाने हुए थे दूसरे हॉस्टल में, वो वाली मैं ऐड करने वाला हूँ। सो मेस टूर देखिए, देन उसके बाद जब तक मैं आपको रूम में पहुँच के मिलता हूँ। वैसे अभी हम लोग मेस में बैठे हुए हैं, ये इनकी मेस है एंड हम लोगों का फूड वूड वगैरह भी है ना यही मेस में था, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। वैसे एकोमोडेशन है फूड हॉस्टल के अंदर ही, जहाँ की जो सर्विंग होती है। एंड भाई इनकी ये विदिन मेस भी एक कैंटीन होती है, तो अगर आपको मेस का खाना नहीं खाना है तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी वॉशिंग वॉशिंग एरिया ये है। सो अभी हम लोग हॉस्टल में आ गए, ये फर्स्ट फ्लोर है डी ब्लॉक का बॉयज हॉस्टल। एंड ये गद्दे वद्दे भी इसलिए पड़े हैं क्योंकि हमारा स्टे यहीं पे था, सो ये सब क्लीन व्लीन वगैरह हो रहा है। बाकी मैं आपको चल के एक रूम दिखाता हूँ। ये जो अभी तीन बेड लगे हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको हॉस्टल अलॉट होता है एंड अगर आप यहाँ पे लॉ परस्यू कर रहे हैं, तो शायद मैक्स टू मैक्स एक या दो की कैपेसिटी वाला रूम है, बट क्योंकि हम तो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स हैं, हमें चार दिन रहना था, तो इन लोगों ने तीन चार चार लोगों को रुकाया हुआ था एक रूम में। काफ़ी स्पेशल रूम, लेट मी टर्न ऑन स्विचेस। हाँ अब सही दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। सो रूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, कवर्ड ऐसा परमानेंटली फिक्स्ड नहीं है जो कि यूजुअली वॉल्स वगैरह में होती है जैसे DNLU में, क्योंकि ये मूव कर सकते हो आप। एंड द बेस्ट पार्ट भाई, सारे रूम्स में बालकनी है, सो ये आपको एक कह सकते हैं कि पक्स है भाई यहाँ पे रहने का कि ऑलमोस्ट सारे रूम में बालकनीज है, तो व्यू वगैरह एंड ओपन एयर वगैरह स्पेस वगैरह सही मिलता है। मस्त आप बैठ के चिल कर सकते हो यहाँ पे, इवनिंग में इंजॉय कर सकते हो एंड कपड़े वपड़े भी यहाँ सुखा सकते हो, ऑब्वियसली बात है। सो ऐसा कुछ है रूम। एंड ये इनके ऐसे कॉरिडोर्स हैं, तो बीच में ये ओपन स्पेस है, पेड़ वगैरह लगे होंगे सारे रूम। मैंने बोला ना सारे रूम्स में बालकनी है। क्या भाई वॉशरूम भी दिखा दूँ क्या व्लॉग में? ये देख लो भाई ये वॉशरूम है, अब ज़्यादा अंदर मत ही देखो, अच्छा नहीं लगेगा आपको देख रहे थे। बाकी अटैच, हाँ ठीक है अटैच वॉशरूम नहीं है भाई, कॉमन वॉशरूम है यहाँ पे। बोल क्या बोल रहा था, बोलना कुछ बोल रहा था, ब्लॉग में नहीं लिया। अरे ये छोड़ भाई। हाँ भाई देखो, मैं बोला था ना बालकनी से बहुत अच्छा व्यू आता है, तो ये देखो सनसेट देखो। क्या बोलोगे? हेलो गाइस, कुछ बोल रहे थे आप? दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग। ओनली नाइस थिंग हियर इज दिस व्यू इन रायपुर, और बाकी सब तो घटिया तो नहीं बोलूंगा, बट एवरेज ही था। एवरेज था, नाइस था। डीजे ग्रीनरी थोड़ी कम है, डीजे ग्रीनरी इन व्हाट सेंस? सीन बहुत अच्छे हैं, डीजे तेजस वाज नाइस, एल्स एवरीथिंग वाज ओके एंड फूड वाज नॉट आल्सो ओके, बट इट्स ओवरऑल फाइन। हेलो गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट व्लॉग। हां आगे नहीं भाई, तब काफी अच्छा व्यू वगैरह बहुत अच्छा देखो। एक तो सबसे बेस्ट पार्ट है भाई, सारे रूम्स में बालकनी है भाई, ये सही लगा। देखो व्यू है बट दिख नहीं रहा है यहां से व्यू, थोड़ा
हाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट्स नाइस टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नाइस एवरीथिंग इज नाइस जंगल हो रखा बोल रहा है नाइस हाँ पर दूर है इसलिए थोड़ा है पर बाकी जितना बना हुआ है नाइस है स्पेसियस वगैरह के साइज अच्छे हैं सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय गाइस बाय गाइस